नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान से रियलिटी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, क्या पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या हम गलती से किसी और यूनिवर्स में चले जा सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्सेस की ये कॉन्सेप्ट विज्ञान और कल्पना के बीच की एक महीन रेखा पर चलती है। तो अगर आप भी इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ आना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यह मानती है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और यूनिवर्सेस हैं जो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हम मल्टीवर्स भी कहते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक कल्पना नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के कई शोधकर्ता मानते हैं कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन के बाकी पॉसिबिलिटीज भी अलग यूनिवर्सेस में घटित हो रही होती है। यानी हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज सुबह चाय पी तो शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप कॉफी पी रहे होंगे। की टेक अवे पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट यह कहता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है बल्कि कई यूनिवर्सेस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान जरूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार पार्टिकल्स किसी एक डेफिनेट स्टेट में नहीं होते बल्कि वे कई स्टेट्स में एक साथ हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक पार्टिकल एक समय में एक से अधिक जगहों पर हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर पार्टिकल एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं तो क्या हम भी कई जगहों पर हो सकते हैं? और क्या इसका मतलब है कि हम गलती से किसी और यूनिवर्स में जा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि थियोरेटिकली यह संभव हो सकता है। हर डिसीजन, हर मूवमेंट पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, क्या आप गलती से किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले जा सकते हैं? कई लोगों का दावा है कि उन्होंने ऐसी घटनाएं अनुभव की हैं जहां वे एक अल्टरनेट रियलिटी में जा पहुंचे थे। कुछ किस्से ऐसे हैं जहां लोग फेमिलियर जगहों पर गए लेकिन वहां की चीजें अलग थीं। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने दावा किया कि वो अपने ऑफिस गया लेकिन वहां का स्टाफ बदल चुका था और किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या ये सब किसी पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो रहा है? क्या ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिनसे हम गलती से किसी और रियलिटी में चले जाते हैं? द मैंडेला इफेक्ट एक और लोकप्रिय थ्योरी है जिसे मैंडेला इफेक्ट कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार लोग एक सामूहिक रूप से एक अल्टरनेट रियलिटी में बदलाव को महसूस करते हैं, जैसे नेल्सन मैंडेला की मौत को लेकर कई लोगों की अलग अलग यादें हैं। पैरेलल यूनिवर्स पर साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या कहना है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है, लेकिन इसे साबित करना फिलहाल हमारे लिए मुश्किल है। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान फिजिसिस्ट भी मल्टीवर्स की थ्योरी पर चर्चा कर चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार हर क्वांटम इवेंट के साथ एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। इसका मतलब है कि हर चॉइस और हर इवेंट की सभी पॉसिबिलिटीज दूसरे यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इन यूनिवर्सेस के बीच यात्रा कर सकते हैं? फ्यूचर में अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि हम पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने का तरीका ढूंढ सकें तो क्या होगा? क्या हम अल्टरनेट रियलिटीज में अपने दूसरे वर्जन से मिल सकेंगे? ये सवाल रोमांचक हैं और इसके जवाब शायद हमें भविष्य में मिले। लेकिन अभी के लिए पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसी रहस्यमयी थ्योरी है जो विज्ञान और कल्पना के बीच का पुल बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पैरेलल यूनिवर्सेस पर एक अद्भुत यात्रा। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही पेचीदा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो देख सकें। आप क्या सोचते हैं? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस सचमुच होते हैं? और अगर हाँ तो क्या हम गलती से किसी और यूनिवर्स में जा सकते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।